हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में। दोस्तों, आज फिर से लेकर आया हूं एक नया लेसन और नए अलंकार के साथ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आज का जो अलंकार है, अलंकार नंबर 12, अलंकार लेसन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से अलंकार नंबर 12 बजाना, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो अलंकार नंबर 12 है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो अलंकार है ये भी कुछ खास एक अलंकार है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसके स्वरों को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैं धीरे धीरे स्लोली स्लोली आरोह और अवरोह बताऊंगा। उससे पहले आप इसके स्वरों को समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मैं हारमोनियम पर आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से थाट बिलावल में, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो दोस्तों हमें सा रे गा तीन स्वर हमें ऊपर की तरफ जाने हैं। इस अलंकार में क्या करना है, सबसे पहले देखिए सा रे गा तीन स्वर हमें ऊपर की तरफ जाना है, उसके बाद फिर दो स्वर वापस आना है। वो कैसे आना है देखिए, पहले हम जाएंगे ऊपर की तरफ तीन स्वरों में, देखिए सा रे गा, फिर दो स्वर वापस आएंगे तो कैसे रे सा, देखिए कैसे, देखिए आप एक बार फिर देखिए, देखिए सा रे गा रे सा, इस तरह से इस अलंकार को करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सा से शुरू करेंगे, सा रे गा तीन, फिर रे सा दो वापस, ठीक है। फिर अगले स्वर में बढ़ेंगे रे गा मा गा रे, देखिए रे गा मा गा रे, ठीक है। इस तरह से पहले जाएंगे फिर वापस आएंगे, तीन स्वरों में जाएंगे फिर दो स्वर रिटर्न करेंगे, तो ये अलंकार इस तरह से चलेगा। देखिए सा रे गा रे सा, फिर अगले स्वर में जाएंगे रे गा मा गा रे, ठीक है। फिर अगला स्वर गा मा पा मा गा, ठीक है। फिर अगला स्वर मा पा धा पा मा, फिर उससे अगला स्वर पा धा नी धा पा, ठीक है। फिर उससे अगला स्वर धानी सानी धा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला स्वर नी नी सारे सानी, ठीक है। फिर सा, सा से फिर करेंगे सारे सानी सा, ठीक है। ये ऐसे चलेगा इसका आरोह, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के समझ में आया होगा काफी हद तक। एक बार फिर देखिए इस अलंकार के स्वरों को, देखिए सा रे गा रे सा, रे गा मा गा रे, गा मा पा मा गा, मा पा धा पा मा, पा धा नी धा पा, धा नी सा नी धा, नी सारे सानी सारे सानी सा, ठीक है। ये इसका आरोह होगा। अब अवरोह कैसे करेंगे देखिए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, रिटर्न करते हुए हम अवरोह करते हैं। देखिए आप लोग देखिए सानी धानी सा, ठीक है, नी धा पा धानी, धा पा मा पा धा, पा मा गा मा पा, मा गा रे गा मा, गा रे सा रे गा, रे सा नी सा रे, सारे सानी सा, ठीक है। ऐसे इसका अवरोह चलेगा। फिर देखिए अवरोह को, देखिए सानी धानी सा, नी धा पा धानी, धा पा मा पा धा, पा मा गा मा पा, मा गा रे गा मा, गा रे सा रे गा, रे सा नी सा रे, सारे सानी सा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आरोह और अवरोह होगा। अब आरोह और अवरोह को हम स्लोली स्लोली देखते हैं। आप लोग आराम आराम से धीरे धीरे इसको फॉलो करते जाएं और इस अलंकार का अभ्यास करते जाएं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका आरोह और अवरोह,
सारे गारे सा रे गामा गारे गामा पामा गा मा पा धा पामा पा धानी धा पा धानी सानी धा नीद नी सारे सानी सारे सानी सा। ठीक है, ये इसका आरोह होगा। अब अवरोह करते हैं, देखिए। सानी धानी सा नी धा पा धानी धा पा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा रे सा नी सा रे सा रे सा नी सा। ठीक है, ऐसे इस अलंकार का अभ्यास करेंगे आरोह और अवरोह में। फिर देखें, सा रे गा रे सा रे गा मा गा रे गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा पा धा नी धा पा धा नी सा नी धा नी सारे सानी सारे सानी सा। ठीक है, ये आरोह हो गया। फिर अवरोह करते हैं, सानी धानी सा नी धा पा धानी धा पा मा पा धा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा रे सा नी सा रे सा रे सा नी सा। आ ठीक है दोस्तों, ऐसे इस अलंकार का आरोह और अवरोह करेंगे। तीन स्वर इस तरह जाएंगे आगे, फिर दो वापस आएंगे, तो सारे गा रे सारे गा रे सा। ठीक है, ऐसे इस अलंकार का अभ्यास करेंगे। तो इसको आप एक बार आकार में देखें किस तरह से इसका आकार चलेगा। देखिए, आ आ आरोह में आकार में चलेगा। फिर अब अवरोह करते हैं, देखिए। आ आ आकार में भी जरूर अभ्यास करें दोस्तों, आकार में और सरगम में दोनों में अभ्यास करें। अगर इस तरह से आप लगातार अभ्यास करते हैं तो दोस्तों आपकी गायकी में आपकी वॉइस में जरूर चेंज होने लगेंगे और मिठास भी आने लगेगी और आपकी आवाज भी खुलेगी। ठीक है दोस्तों, आकार में एक बार फिर देखें, देखिए। आ ये आरो, अब अवरो आ आ आ आ
ठीक है दोस्तों, अभ्यास करें इस अलंकार का। आप लोगों को एक बार मैं रिटर्न में इस अलंकार को भी लिख कर बता देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो देखिए दोस्तों, अलंकार नंबर 12 है ये, ठीक है दोस्तों, थाट बिलावल में, ठीक है दोस्तों, बिलावल। तो दोस्तों इसका आरोह लिखेंगे, आरोह लिखेंगे, देखिए, सारे गरे सा, ठीक है, रे गा मा गरे, गामा पा मा गा, मा पा धा पा मा, ठीक है, फिर पा धा नी धा पा, धानी सानी धा, ठीक है, नीसा रेसानी, सारे सा निसा, ठीक है दोस्तों, ये इसका आरोह होगा। थोड़ा लंबा है तो आप लोग जो है इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका अवरोह लिखते हैं, अवरोह है देखिए, सानी धनी सा, निधा पधनी, धा पा मापा मापा धा, ठीक है दोस्तों, धा पा मापा धा, पा म ग म पा, पा म ग म पा, म ग रे ग म, ग रे सरे सरे गा, ठीक है, ग रे सरे गा, रे सा नी सा रे, रे सा नी सा रे, सा रे सा नी सा, ठीक है दोस्तों, सारे सानी सा। तो आप लोग जो है इसका आरोह और अवरोह लिख लें अपनी राइटिंग के हिसाब से। दोस्तों मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं है, तो आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ये बहुत ही खूबसूरत अलंकार है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो आने तक जुड़े रहिएगा चैनल पर, तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूँ परमपिता का परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे, और अगली वीडियो आने तक दोस्तों बने रहें चैनल पर, जुड़े रहें, धन्यवाद।